चेन हुआ है और बीकानेर के अंदर नापा सर भी बहुत ठीक है इसकी अभी, और 3 महीने हो गए ना बनने की, बिल्कुल 3 महीने हो गए, और मिठाई भी खाएंगे होगी आपको, मिठाई की छः डब्बे लेकर आए हैं, 5 से 6 घंटे जोब लगने के बाद में निकाल रहे हैं अभी, कहते गुरु जी अब बड़ा पालन लिया है हमने, यही आया था राजस्थान जी के पढ़ने के लिए, और वो राजस्थान जी के कभी नहीं पढ़ा, वो मेरा 9वीं 10वीं में वो बुक्स लगती थी वो ही पढ़ी हुई है, हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे, जब से इन्होंने हम पर नजर डाली है हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जा रहे हैं। चलो अनिल वो कौन कौन जाता है हमें क्लास में से, ठीक है आपके साथ ही क्लासमेट था शायद है ना, याद आपको, और आज सफलता की घड़ी में अपने लेके आती है गुरु जी की भी क्लास लेके आए थे अपने, आज अनिल आपकी थोड़ा सा बताएगा कि तुम्हें भी कैसे तैयारी करनी चाहिए, और एक थोड़ा सा होता ही है कि पता हो कि किस प्रकार से तैयारी करके किस प्रकार से हमने स्ट्रगल किया था, इसका भी स्ट्रगल अच्छा है देखा है, तो अनिल आप अभी को बताइए आप मेरे को करना किसमें लाइन मैन के अंदर इनका चैन हुआ है, और बीकानेर के अंदर नापा सर में पोस्टिंग है इसकी अभी, और 3 महीने हो गए ना जॉइनिंग की भी, बिल्कुल 3 महीने हो गए, और मिठाई भी खाएंगे अभी आपको, मिठाई 6 डब्बे लेकर आएगी तुम्हें खानी है वो मिठाई भी, ताली बजाओ एक बार। एक दूसरी बात और है, पहले वाली इसकी फोटो पहले वाला से चेंज हो गया ना, एक तो गोरा हो गया और एक मोटा हो गया, और सोनो भी हो गया दाढ़ी, लेकिन इस धरती में दो ही सुंदर है लोग, तो एक तो मैं हूँ एक मारो कटियाला से दो ही सुना में, बाकी तो कोई होने बाकी तो नहीं है। हाँ तो आप पहले शुरुआत कर दो, इन्होंने 10 मिनट सही है भाई, अनिल को तुम्हारे सुनो ध्यान से पता नहीं सर, सभी स्टडी करने वाला इनको पता ही है कैसे पढ़ रहे हैं, इनको पता ही है रही है ये भी स्टडी करी नहीं है। नहीं आपने जैसे कितने साल से मतलब इनको वो थोड़ी बात बताओ, जैसे गुरुजी ने बताया था कि मैंने इतनी साल पहले की थी और ऐसे ऐसे दिन भी देखे थे, मतलब ये थोड़ा सा बताओगे तो इनको थोड़ा किसको क्या बात आप रिसेट कर दे तो वो बात आता हूँ। मैं सोच रहा था 2018 में स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पर आया था, 3 साल का ये कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, वो करने आया था, उसके साथ में कंपटीशन की तैयारी करने लग गया, फिर धीरे धीरे वो पूरा भी हो गया, फिर कंपटीशन जो इंजीनियरिंग कोर्स करने आया था वो, फिर उसके बाद में 2 साल कंपटीशन की तैयारी की, तो हर एक तरह का स्ट्रगल मैंने किया है, कभी बिना खाने भी हम सोए हैं, नींद नहीं लेके देखी ये 3-3 रातें बिना नींद की भी निकाली हमने, और आज भी अगर इसी रास्ते उतरोगे तो जरूर ना कभी ना कभी जरूर ये आपको कामयाबी मिलेगी, बस कोई भी लाइन अगर आप चूज करो उसको छोड़ना मत, पकड़े रखो उसको, हर बार गिरोगे कई बार आप गिरोगे भी पर हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, तो जरूरी नहीं अपने पहले प्रयास में हो जाए सिलेक्ट हो जाए, नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं, 100 में से 99 ऐसे होते हैं जो पहले मतलब कि प्रयास में सिलेक्ट नहीं हो पाते, बहुत कम चांस होते हैं जो हो पाते हैं सिलेक्ट, हर कोई ऐसा ही है 3-3 4-4 एग्ज़ाम दे के फिर उसके बाद होता है, और ये स्टडी एक ऐसी एजुकेशन चीज़ है कि अपने 3 या 4 साल तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे, अपने आते हैं गांव से आते हैं जी पहले देखते हैं बुक्स देखते हैं छोटी सी है 6 महीने में करते हैं, पर वो 6 महीने में नहीं होती, फिर 6 महीने देखेंगे यार ये तो अभी तो 4 पेज ही क्लियर होंगे चलते हैं नहीं काम करेंगे, फिर वहीं से अपने भटक जाते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, 3-4 साल लगते हैं, अभी नए बच्चे 12वीं क्लियर करके आएंगे यहाँ पर, और भी आएंगे एक बार तो फाड़ देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे आएंगे से, फिर 6 महीने बाद वही बात घर पे वापसी जी नहीं होता, खाना बनाना पड़ेगा अपने यार, ये स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा, बिना खाना भी रहना पड़ेगा, कभी नहीं खाया जाता कभी टाइम से नहीं सोया जाता, मैं आया था 2022 फरवरी में सर से मिला था, एक राजस्थान जी की एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने कभी नहीं पढ़ा मेरी लाइफ में, और वो आपको भी बताया कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा, उसके ट्यूशन किस तरह के ट्यूशन आएंगे अपने को नहीं पता होता, मैं 2022 में आया था सर से पूछा कि सर अभी एग्ज़ाम है वैकेंसी आने वाली है और हमें पढ़ना है, तो सर ने पूछा पर्सन किस तरह से आते हैं, हमको सर अभी एड हुआ है हमें नहीं पता किस तरह से आएगा, तो वो तो हम अगर हमें ये पता होता हम आपके पास नहीं आते, अब आप ही हमें तैयार करवाओगे, तो सर ने बोला आप मुझे बताओ सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो सर ये नहीं पता आप फीस मांगो हम देंगे, वो तो आपका काम है आप करो, पढ़ना हमें है आप जिस तरह से पढ़ाओगे वैसे हम पढ़ेंगे,
तो सर ने बोला सर एक बार फिर सब रहने दो, आज मेरे को एक आधा टॉपिक में करवाता हूँ, वो टॉपिक आप करो, फिर आप जो मर्जी जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अटेंड करके देखो, अगर होता है आपको एक टॉपिक से पता चल जाएगा कि अगर आपको किस तरह से तैयारी आपकी चल रही है, अगर वो उसका सोल्यूशन होता है तो आप मेरे को फीस देना, वरना मेरे को फीस मत देना, आप कहीं और चले जाना, आपको फीस देनी है, तैयारी करनी है, मैं ये नहीं कहता मेरे पास ही पढ़ना। तो सर ने एक दो टॉपिक करवाए, हमने देखा और सर से पूछा भी था कि सर कौन कौन सी बुक्स लेनी है, तो सर ने बुक्स के बारे में बताई, क्वेश्चन बैंक हम लेके आए और उनको हम निकालते रहे और 3 महीनों के अंदर एक ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि यहाँ पे बच्चे आते थे नीट की तैयारी करने के लिए, उनसे भी हमें आगे ला दिया था सर ने। और वो पढ़ना किस तरीके से वो सर ने बताया, पढ़ना है वो हमारा काम था पढ़ना। एक अच्छी बात ये लगी थी, मैं यहाँ आया था, मेरे से पहले यहाँ से बहुत से बच्चे थे, वो इंटेलिजेंट थे, तैयारी करते थे, उनके साथ मेरा कंपटीशन करवाते थे हमारा, हम 2-4 भाई आते थे यहाँ पर, उनका सिलेक्शन हो गया शायद, उसमें से नरेश का भी हो गया। हाँ नरेश का हो गया, तो उनका कंपटीशन करवाते थे, हमारे पे लेते थे कि ये बच्चा है इससे कौन है जो कोई क्लास में है क्या जो इससे ज़्यादा नंबर लेके आए। तो फिर ये इस फर्क ये पड़ता है कि वो मेरे मन में भी होता था कि यार सर ने तेरा नाम किया, अगर तू कम लेके आया तो सर की भी बेइज्जती और तेरी भी बेइज्जती है, और दूसरों के मन में ये होता था कि सर को वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ही है, सर को विश्वास उसका तोड़ना है, अपने ज़्यादा लेके आएंगे, तो वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, इस कारण से हमेशा ही वो तो बढ़ाई गई बुद्धि बंद आते थे, नंबर अच्छे ही आते थे सबसे क्लास में। 3 महीनों के अंदर वास्तव में इतना अच्छा सब्जेक्ट तैयार करवाया था कि हमारे कई मतलब को एग्ज़ाम जैसे आया था उसका हर एक क्वेश्चन हमने किया था, ऐसे तो 100% तो कभी कुछ नहीं हो पाता, कहीं से भी पढ़ लो आप, मतलब अच्छा करवाया सर ने 3 महीनों के अंदर। मेन बात ये नहीं है, मेन बात बताऊँ क्या है, किस महीने पढ़े थे ये बताओ, किस टाइम आते थे पढ़ने के लिए ये बताओ। मार्च अप्रैल में आते थे हम, 3 बजे का टाइम होता था, हमें यहाँ बुलाया जाता था मार्च अप्रैल के महीने, 3 बजे के टाइम, जून का महीना, अभी तो गर्मी क्या शुरू हुई है, तो थोड़ी मोड़ जो फसल जो लिट जो ये तुम्हारे 40 वर्षों का बैच हो गया था, वो धीरे धीरे उसमें से लगभग बच्चे सिलेक्शन हो गए थे लगभग। वो कारण पता क्या था, वो इनका एक बहुत भयंकर संघर्ष रहा था, वो फोटो लगी है ना 2022 की, इनके बैच के विद्यार्थी हैं वो सारे लगभग, ये आते थे 3 बजे, 3 बजे से शायद 2 घंटे जी के करवाता था, 5 बजे तक इतनी गर्मी के अंदर। सर जून का महीना बहुत भयंकर तपत होती है, और तुम्हें ये तो पता ही है अपना सेंटर थोड़ा गर्मी में ज़्यादा ही है, गर्मी में ज़्यादा ही रहता है अपने वाला सेंटर, तो उस की कंडीशन के अंदर इन्होंने कभी, लेकिन इनकी गर्म पानी पिया था, गर्म पानी मतलब वो भी एक टाइम व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, मैं कोचिंग का खुद इसलिए कह रहा हूँ कि इनको ठंडा पानी पिला सके, गर्म पानी पीकर भी इन्होंने वास्तव में अच्छी मेहनत की, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने आज के लिए बच्चों को तो फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए और पढ़ाई तो चलो कोई नहीं चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही मैं तैयारी को कॉम्पिटिशन में कहता हूँ, मैंने कहा अभी कर दो शुरुआत कर दो और भर्ती आ जाएगी तो हवा ही नहीं लगेगी, बढ़िया आती रहती है, पेपर भी हो जाते हैं, एग्जाम होते हैं, बस कम पड़ती है, तैयारी पड़ती है, वैकेंसी कभी कम नहीं पड़ती, अपनी तैयारी कम पड़ती है, कोई भी एग्जाम देखते हो, अगर ऑलराउंडर अगर आप पढ़ते हो हर 3 महीने बाद एक एग्ज़ाम देते हो तो होता क्या, लास्ट में तैयारी कम पड़ गई, वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो अपनी वजह से होता है। वैकेंसी का वेट मतलब आप तैयारी रखो स्टार्टिंग, अगर एक चीज़ पकड़ो वैकेंसी तो आएगी आएगी, अभी 6 महीने में ना तो साल में आ जाएगी, साल में ना 1.5 साल में आएगी जरूर वैकेंसी, हमने एक वैकेंसी के पीछे 3 साल लगाए थे, 3 साल कोई मान लगता है, कोई नहीं बोलता था कि उसके पीछे पड़े नहीं आएगी नहीं आएगी, और जाएंगे इसमें तैयारी उसकी थी, उसका सब्जेक्ट ठीक था, हमारा राजस्थान था, राजस्थान इनके हवाले करके रख रहा होगी, और इन्होंने करवाया था काफ़ी अच्छा पढ़ाया हमें, तो कोचिंग आओ आप ठीक है, एक चीज़ की लाइन पकड़ दो, सर से अच्छी गाइडेंस भी अच्छी देते हैं सर, ये बात नहीं है कि अपना ही मतलब रखते हैं, अपना मतलब नहीं रखते हैं, ये तो इनको पता लग गया होगा कि वो फीस चाहते हैं सिलेक्शन चाहते हैं, बातों में इंसान की पता लग जाता है कि मतलब फीस सही है सिलेक्शन सही है। दूसरी बात सबसे बड़ी, मैं आपको काफ़ी बार लेकर याद आपको बहुत धारण देता हूँ कि रूम वाले जो है ना हफ्ते में 6 बार आलू खाते हैं, याद है मैं बोलता हूँ तुम्हें, ये वो है इसके रूम और बढ़ाएँ क्या, एक टाइम तो आलू बढ़ता ही बढ़ता है, एक हफ्ते में 6 दिन, आज तो चाहिए की बात करें, मैं पनीर खाता था, आज तो एक ही कैसे माननी पड़ेगी, हम पनीर नहीं खाते थे, मैं नहीं हम मुझे एक दिन रूम पे गया था, मैं इसके शायद दुकान में रूम पाओ जैसे रूम पे गया था, एक रूम भी इनका बेचारा ठीक मतलब कंडीशन वास्तव में देखा इन्होंने, तो फिर इन्होंने चाय चुई बनाई, बहुत सेवा विद्यार्थियों में रहता है, वास्तव में जिससे मिला हूँ बहुत सेवा की बेचारों ने, तो इसके पास भी गया तो इन्होंने बहुत सेवा की, सेवा के साथ साथ ये फिर गया गुरुजी मेरे को एक आप काम दो, वो कल्चर वाले जो आप नोट्स पढ़ रहे हो ना वो सारी इसी की मेहनत है, जो कल्चर वाले नोट्स रास्ता में कल्चर है इसी की मेहनत है, और वो लेवल भी देख लो आप बहुत अच्छा उसमें। दूसरी बात है
क्या है कि इसके रूम में बैठा तो मैं, अब मेरा एक होता है कि यार विद्यार्थी जाने की क्या क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अब जिके मैं चाहे इंजीनियर वाला विद्यार्थी आ जा रहा हूँ उसको दिक्कत नहीं आ दूंगा, क्योंकि मैं खुद बैकग्राउंड मैथ से हूँ तो मुझे पता है कि किस प्रकार से मैंने कवर किया है, इसीलिए मैं करवा सकता हूँ। मतलब कोई भी विद्यार्थी आ जाए तो मैं अपने अंदर ये ताकत रखता हूँ, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ का हो चाहे बैकग्राउंड, जैसे इसकी सिस्टर थी दिव्या, वो भी बैकग्राउंड MSc से थी, तो उसके भी बहुत दिक्कत बड़ी बात है। और मेरे पास आते हुए विद्यार्थी हैं जो जीके में ऐसे टूटे फूटे ही होते हैं, तो फिर उनको स्ट्रगल करना थोड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर मैंने कहा था भाई अनिल से वो तो सारा मेरे लिए नहीं शरीर में, तो तुम क्या क्या खाते हो यहाँ पर? तो क्या गुरु जी खाओ तो क्या मन ने शायद याद कोई हरी सब्जी मेकर दिखाई, इसने इतनी बड़ी बात बोली कभी तुम घर जावा नहीं, या तो मैं बनाऊँ दाल या बनाते हैं जिया सस्ता मिला आदर टाइम कम लगता है और दूसरी है कि आलू की सब्जी मुझे बहुत खाओ तो आलू बढ़िया हो गया आलू खा खा के, तो दूसरी बात बात लेकिन वो लोग कुछ नहीं सब कुछ होगा। फिर इनके सामने जैसे आज स्कूल आए ना तो इनके सामने भी मैं लाता था, तुम्हारे सामने भी जिसका चयन होता था ये कहता था मुझे कहते मैं भी आऊँगा क्या चाहे, तो मैंने कहा बिल्कुल एक वक्त आएगा जब सब कुछ होगा अपने पास, और फिर तुम्हें लगे देखो दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, जो मिल गया वो मिट्टी और जो ना मिला वो सोना है। अब इसे मिल गया इसको तो मिट्टी लगी अभी। अच्छा अब एक अच्छी बात और बता दूँ, मैंने तुम्हें बहुत बार कहता हूँ तुम रुकना मत कभी भी किसी पद पे पहुँच जाओ, अभी इनका सिलेक्शन हो गया ना, अभी भी आप पढ़ रहे हो ये देखो कितने घंटे अभी भी आप मतलब रेगुलर पढ़ रहे हो, 5 से 6 घंटे जॉब लगने के बाद भी निकाल रहे हैं। अभी कहते हैं गुरु जी अब बड़ा टारगेट लिया है हमने, और टारगेट तो नहीं बताएंगे अभी आपको, इनका गुरु जी अच्छा टारगेट लिया है उसको अचीव करेंगे, तो थोड़ा गाइडेंस देते रहना। और क्या गुरुजी मैंने कहा थोड़ा बच्चों को मिलो और बच्चों को मेरी तो मानना बन मैं तो हूँ केटा उसके की बात एक आदि, जैसे देखो हम इतने गुरुजन पढ़ाते हैं आपको, जरूर नहीं है मेरे पास सेट बैठेगी इसको मेरे पास सेट बैठी, हो सकता है तुम इतने विद्यार्थी हो क्या पता कौन से गुरुजी की बात सेट बैठे, विक्रम सर तुम्हारी क्लास में नहीं आते, विक्रम सर मोटिवेट करने आते हैं तुम्हें बार बार, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष है मोटिवेट, मोटिवेशन आपसे वो करवा सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती, हवाबाजी है तो पढ़ना पढ़ना चलता रहता ही तो सारी दुनिया ही पढ़ती है, सबसे बड़ा है कि सातों के सातों दिन मोटिवेट रहना, गुरुजी मैं 7 दिन पढ़ लूँगा, गुरुजी मैं 7 दिन 8 घंटे पढ़ लूँगा, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है 365 दिन 8 घंटे पढ़ना लगा था, ये बड़ी बात है जो इन्होंने किया था काम, समझ में आए तो एक बढ़िया करो काम। अच्छा तो मैंने तुम्हें रुपये दिए थे 500 रुपये की होगी तारीख, 200 रुपये की तारीख हुई है, तो वो चीज़ है चलो ये इसका कारण तुम करिए, जो बात है वो रियल बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे आपको पता ही है सर कैसे है, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं साढ़े सात से जुड़े हुए हैं, इनका व्यवहार कुछ ऐसा है तभी तो वो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वरना कभी के भाग गए होते हैं। और अभी मेरे बारे में भी कुछ कोचिंग वाले बोलते ही हैं कि वो हमसे पढ़ा उनके पास कब गया था, मैं आपको रियल बात बता दूँ मैंने कभी कोई किसी कोचिंग नहीं किया, किसी कोचिंग से नहीं कोचिंग में नहीं गया, यहीं आया था राजस्थान जीके पढ़ने के लिए, और वो राजस्थान जी के कभी नहीं पढ़ा हुआ, मेरा 9वीं 10वीं में वो बुक्स लगती थी वो ही पढ़ी हुई है, और बड़ी बात उसके बाद में मैंने कभी राजस्थान जी के नहीं पढ़ा, और 9वीं 10वीं आपको पता ही है कैसा सब्जेक्ट होता है कैसा पढ़ता है वो, और बड़ी बात ये थी कि 3 महीनों में सब्जेक्ट कवर करना जी के बहुत बड़ा हो जाता है। तो दूसरी बात जैसे ईओ वाले बच्चे भी 3 महीने के अंदर उनको भी थोड़ा सा चुनौती वाला काम था, मैं तो मेरा पूरा प्रयास रहता है और हमारे गुरुजनों का भी पूरा प्रयास है कि तुम्हें सिलेक्शन करवाएं, बस तुम एक लक्ष्य बना लो एक टाइम टेबल। अच्छा टाइम टेबल के साथ पढ़ना चाहिए या वैसे ही पढ़ना चाहिए? मैं तो टाइम टेबल से पढ़ता था, क्योंकि बांधना पड़ेगा अपने आप को समय में, नहीं बांधोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेकर हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि गुरुजी एक एक दो दो बातें आप थोड़ा सा बोलेंगे इनको, चलो ठीक है भाई मिठाई खाओगे खिलाओगे कब हम ज्यादा भी वजीनों में गिने जाने आधे के वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे, जब से इन्होंने हम पर नजर डाली है हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। बस इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं, इसी दिन बस पीछा मूसा तो बोले मिठाई मिट्टी का भूखा बोले गुरु जी सबसे दिल से नहीं उठाए, वो तो प्रेम होता है विद्यार्थी का, वो प्रेम होता है लिया सारे अरे बुजी प्रेम होता है कि वो मिठाई मिट्टी लिया, बस ये दो डब्बे आ गए इससे पहले भी अब एक डब्बा और आ गया, मतलब इतनी खुशी होगी इसको सिलेक्शन की वास्तव में कि बहुत ज़्यादा गुरु जी ने मिठाई खुआ बार बार, तो वाह बात है को नहीं चलो अच्छी बात है, तो तुम भी एक दिन आओ हमें बहुत अच्छा लगेगा गुरुजनों को अच्छा लगेगा, ठीक है बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं कल अगले कोई ऐसा ही चेहरा लेकर आएंगे। अच्छा इसके साथ काफी विद्यार्थी आते हैं आपके बीच में बैठा था थोड़े समय पहले, घुमानी को जानते होंगे ना,
घुमानी को जानते हो, घुमानी सिंह, उसका भी चेन हो गया। अभी तक तो आ रहा था वो पिछले हफ्ते, अभी आना बंद कर दिया, उसका रिजल्ट आ गया, उसका चेन हो गया। अब देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो क्या कर रहा है, उसके बाद बस वो भी आपके सामने आज कल में आ जाएगा। आप ही के बीच में बैठा था कल परसों तक, बस इतना ही अंतर होता है, कुछ यहाँ तक बस इतना दिन रात में अंतर, थोड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा करोगे रहते थे आपकी तरह सोचते थे हमारा भी नंबर आएगा, आए थे भी तीन सात आठ महीने का सफर था मेरा कोचिंग का, आए थे पाँच छः बच्चे आए थे, तो मैं सोचता था कि क्या तो अपना भी आएगा, कभी आएगा या नहीं, तो वो आज आया, वो इन्हीं की बदत है, इन्होंने मेहनत करवाई है, इन्होंने जब जैसे बताया हम पढ़ते गए, तो वो क्वेश्चन सही भी हुए हमारे जो एग्ज़ाम में आए अच्छे लेवल से, 90% है मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो वो सब कुछ टीचर जैसे कोई भी गुरु जी पढ़ा रहा है उसको एक ही चाहिए, भूख से अपने रुपए की नहीं होती टीचरों को, टीचरों को ऐसे कहते हैं जिस बच्चे ने को पढ़ाया ना वो स्वाभिमान मतलब खोआ बच्चे, जैसे कई बार है मैं तो ये चेक करने के डेमो लेने की मतलब क्या पढ़ा है नहीं, बस वो चीज़ नहीं, कई बच्चे चयनित हुए हैं, कईयों ने समूह फेर लिया चयन होने के बाद, ऐसे बड़ा अरे ये तो क्या कॉन्स्टेबल का पद इतना है, छुट्टी मारूँ तो कॉन्स्टेबल हवलदार सूट मार के जाता है, जय जय सर ना मारो तो संदीप नहीं बैठेगा, ये छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है यार, बोलो आदमी चलो जय हिंद, मिलते हैं।